वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट हिल। जेपी पावर लिमिटेड के क्वार्टर टू के रिजल्ट आ गए, तो चलिए देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए, प्लस यहाँ से टारगेट भी हम जानने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टैंड लोन बेसिस पे हम कंपनी का परफॉर्मेंस देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक चीज और आपको फोकस में रखना चाहिए कि जो डेटा यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है वो लाख में प्रेजेंट किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रुपीज इन लैक्स। तो चलिए देखते हैं स्टैंड लोन बेसिस पे कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस है। तो अगर आप यहाँ पे इनकम देखेंगे तो यहाँ पे 1501 करोड़ की इनकम आई इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 1829 करोड़ की इनकम थी, एक साल पहले 948 करोड़ की इनकम थी। तो इनकम जो है यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर डिक्रीज हुई है, लेकिन पिछले साल की तुलना में देखेंगे तो आपको जो इनकम है वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। बात करते हैं एक्सपेंस की, तो यहाँ पे 1384 करोड़ का एक्सपेंस इस क्वार्टर में कंपनी ने खर्च किया। पिछले क्वार्टर में 1457 करोड़ का किया था, एक साल पहले 942 करोड़ का किया था। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक्सपेंस कंपनी ने पिछले क्वार्टर की तुलना में तो कम खर्च किया, लेकिन पिछले साल की तुलना में ज्यादा खर्च किया। अब देखिये यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है 116 करोड़ का। अब ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये और अच्छा आ सकता था, लेकिन यहाँ पे अब की बार दिक्कत क्या है कि कंपनी ने इनकम अच्छी जनरेट नहीं की, जिस वजह से पीवीटी हमें कम देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर की तुलना में कम है, लेकिन पिछले साल की तुलना में देखेंगे तो ज्यादा है। तो यहाँ पे जो पीबीटी है वो पिछले क्वार्टर की तुलना में कम है, लेकिन पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 75 करोड़ का देखने मिला है, पिछले क्वार्टर में 241 करोड़ का था, एक साल पहले माइनस में था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है नेट प्रॉफिट कम अच्छा नहीं देखने को मिला है, लेकिन पिछले साल की तुलना में देखेंगे तो प्रॉफिट काफी अच्छा है। तो स्टैंड लोन बेसिस पे तो आपको समझ में आ गया कि कंपनी जो परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं, क्योंकि क्वार्टर क्वार्टर मार्केट एक्सपेक्ट करता है अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर अच्छा नहीं आया, बल्कि साल दर साल अच्छा है। अब देखने वाले हम लोग कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का इनकम यहाँ पे शो हो रहा है, 1501 करोड़ का इनकम आया इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 1829, एक साल पहले 948। तो यहाँ भी आपको सेम देखने मिल रहा है कि कंपनी की जो इनकम है वो क्वार्टर क्वार्टर डिक्रीज हुई, लेकिन पिछले साल की तुलना में इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंस यहाँ पे 1384 करोड़ का हुआ है, पिछले क्वार्टर में 1457, एक साल पहले 942। तो इसमें भी वही कहानी है कि कंपनी का जो एक्सपेंस है वो क्वार्टर क्वार्टर कम खर्च किया, लेकिन पिछले साल की तुलना में देखेंगे तो ज्यादा खर्च किया है। फाइनली अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 75 करोड़ का है, एक साल पहले देखेंगे तो यहाँ पे माइनस 1 करोड़ था, एक क्वार्टर पहले देखेंगे तो 241 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे जो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट है वो अच्छे नहीं है, लेकिन पिछले साल की तुलना में अच्छे देखने को मिला है। तो यहाँ पे आपने स्टैंड लोन बेसिस पे भी कंपनी का परफॉर्मेंस देख लिया और कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी देख लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी के रिजल्ट आए कैसे हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पे कंपनी का जो रिजल्ट इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो वीक है, क्योंकि कंपनी के स्टैंड लोन बेसिस पे आप चाहे रिजल्ट देख लीजिए चाहे कंसोलिडेटेड बेसिस पे देख लीजिए, दोनों में ही आपको क्वार्टर क्वार्टर वीक देखने मिल रहे हैं। क्वार्टर क्वार्टर वीक है, जिस वजह से मुझे कंपनी के जो रिजल्ट है वो वीक लग रहा है। तो चलिए चार्ट पैटर्न में चलते हैं और समझते हैं आगे स्टॉक में कौन कौन से लेवल बन रहे हैं, किन लेवल पे आपको फोकस रखना चाहिए। स्टॉक के चार्ट पे आ चुके हैं, देखिए यहाँ पर 8.45 का एक रेजिस्टेंस है, इसको पार कर देता स्टॉक और सस्टेन कर जाता एक हफ्ता दो हफ्ता तो जरूर स्टॉक 11 रुपए तक जा सकता था, और अगर 11 को भी पार कर जाता तो स्टॉक और ऊपर जा सकता था, लेकिन ऐसा इसने नहीं किया। 8.45 रुपए का एज अ रेजिस्टेंस ये नीचे आ गया। आप देखिए इसका जो सपोर्ट लेवल है 7.55 रुपए, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में गिरावट हो सकती है 1 रुपए के आसपास, यानी 7.55 रुपए तक ये स्टॉक आ सकता है, या फिर 7 रुपए ऑलमोस्ट 7 रुपए के आसपास, यानी कि 6.95 के आसपास ये स्टॉक आ सकता है। तो दो लेवल मैंने आपको बताया, पहला लेवल ये, इस पे फोकस रखना चाहिए आपको, और दूसरा लेवल ये, इस पे फोकस रखना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक जगह स्टॉक सपोर्ट ले सकता है और मैक्सिमम चांसेस है इन दोनों में से किसी एक जगह के सपोर्ट लेने की, लेकिन अगर दोनों लेवल्स ब्रेक होते, पहले ये ब्रेक होगा और ये ब्रेक होगा, तब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 5.90 है, लेकिन मुझे क्या लग रहा है बहुत कम चांसेस है यहाँ पे सपोर्ट लेने की। ये स्टॉक या तो यहाँ सपोर्ट ले लेगा या तो यहाँ सपोर्ट लेगा 5.90, मुझे नहीं लग रहा है कि इतना नीचे जाएगा, 7.55 तक रुक सकता है या फिर 6.95 के आसपास रुक सकता है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टॉक को बाय सेल करने से पहले एनालिसिस जरूर करिए। हैप्पी दिवाली टू ऑल।